बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। आज ईद का तीसरा दिन है और हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में। जैसा कि आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सफाई का काम जो है अब जारी स्टार्ट हो गया है। इससे पहले दो दिन लाइशों का काम हुआ। अभी इंशाअल्लाह शाम के टाइम पे हम जो है चूना भी डालेंगे ताकि जो ताउन फैल रहा है, जो इस किस्म की फूल की पत्तू वगैरह होती है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो ये सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह ईद के पहले दिन से स्टार्ट हुआ हुआ है। हमारा पूरा अमला कंट्रोल रूम फैसल का, इसमें बिल्कुल आपके साथ आप देख रहे हैं किस तरह लगा हुआ है। बहुत शदीद गर्मी है, ये छतरी भी मेरे पास है, शहजाद भाई ने दी है। तो शदीद गर्मी है आज, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा अमला काम कर रहा है आपकी खिदमत के लिए। और मैं इसमें शुक्रिया अदा करूँगा अपने कंट्रोल रूम बोर्ड के CEO आमिर रशीद साहब का, जिन्होंने बेहतरीन इंतजाम किए इस बार ईद के ऊपर। पिछली बार भी बहुत से इंतजाम थे लेकिन इस बार उससे भी बेहतर इंतजाम हैं। और इम्तियाज़ बलोच भाई जो हमारे सैनिटेशन के इंचार्ज हैं, और मुदस्सिर जो हमारा जो यहाँ के ब्लॉक 17 का खासतौर पर सुपरवाइजर है, ब्लॉक 17 16 19 और 10 है, यहाँ पर मुदस्सिर हमारा जो है कंट्रोल रूम से नॉमिनेटेड है। बेहतरीन काम किया इन लोगों ने, ये ताज़ी तहसील इनको के मुस्तहिक हैं। और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर इसके बावजूद भी आप कहीं देखते हैं आलाइशें मौजूद हैं जो अभी तक नहीं उठ सकी हैं या हमारा अमला वहाँ पर नहीं पहुँच गया है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कंट्रोल रूम फैसल का भी नंबर आपके पास मौजूद है, ग्रुप के अंदर मैंने डाला हुआ है, और क्या कहते हैं अपना तमाम सुपरवाइजरों के नंबर मौजूद है, मेरा नंबर आपका मौजूद है। बहुत शुक्रिया।